लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन और हजरात, अस्सलाम अलैकुम। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू पार्टिसिपेट इन एन ओकेजन वेयर वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स जेंडर और जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ बीइंग डिस्कस्ड एंड प्रोग्रेस, टू हियर अबाउट प्रोग्रेस मेड एंड ऑल्सो टू हियर अबाउट द फैक्ट दैट एट करंट रेट इट मे टेक 135 ईयर्स for us to achieve gender equality. That's a very sad reflection on the progress we are making. But anyhow, the struggle is on, and not only that, I will try and bring before you what I think of gender equality and what does it rest on. To meri guftu urdu mein isliye karunga ke isi bahane television ke zariye wo baatein aam fehm andaaz se logon tak pahunch jaye जो अंग्रेज़ी के अंदर शायद ना पहुंच सके। विद अपॉलोजीज टू दोज हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, देयर कैन ऑलवेज बी अ ट्रांसलेशन। मैं समझता हूं कि जेंडर के हवाले से सात पिलर हैं, सात पिलर, जिसमें से मज़हब एक पिलर है। माशरे मज़हबी बुनियादों पर चलते हैं, मज़हबी बिलीव्स की बुनियादों पर लोगों के अंदर वो तासुरात या तासुबात पैदा होते हैं। तो मज़हब एक पिलर है जिसको हमें समझना चाहिए, और वो पहला पिलर है बहुत सारे माशरों के अंदर। और अगर मज़हब के अंदर एक्सप्लॉयटेशन या ज़ात पात के एतबार से कोई कैफियत पैदा हो जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत थी, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बेइंतहा थी और आज भी आपको नज़र आती है, तो वो रच बस जाती है। और वो मज़हब जो एनलाइटेंड था इस मामले में, और 1400 साल पहले उस मज़हब ने सूरह निसा के अंदर वुमेन्स इनहेरिटेंस की बात की, जो मगरबी माशरों में 20वीं सदी के शुरुआत तक नहीं थी। ये मैं उनकी कोई कंडेमनेशन नहीं कर रहा, मगर ये तो कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूँ कि उन्होंने 20वीं सदी के शुरू तक बरतानिया के अंदर औरत जो थी वो अपने मर्द की मिल्कियत थी, उसकी जायदाद कोई नहीं थी, मर्द की मिल्कियत थी। अगर वो कमाती तो वो मर्द की मिल्कियत होता, तो कानून के अंदर उसकी एक पोजेशन के एतबार से कैफियत थी। और इस्लाम ने 1400 साल पहले ये बात डिक्लेयर कर दी कि विरासत के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। और उस माशरे में जिसमें औरतों को दफन किया जाता था, और हिंदुस्तान के अंदर हमने ये भी देखा कि औरतों को मर्द के मई मौत के साथ साथ जला भी दिया जाता था, तो मज़हब आपका एक एनलाइटेंड मज़हब था और है, हमेशा रहेगा। उसको भी माशरे ने टूल बनाने की कोशिश की कि मज़हब में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हालांकि उसी मज़हब की तारीख़ अगर आप देखें तो बीबी खतीजा एक बिज़नेस वूमन थी, है? जब बिज़नेस वुमन थी तो तिजारत के हवाले से वो लोगों से मिलती होंगी, तय करती होंगी, माशी एतबार से मुस्तहकम थी अपनी तिजारत की बुनियाद पर। तो ये तो आपके ओरिजिन था। उस ओरिजिन से फिर हम अगर जवाल पजीर हुए तो वजूहात का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको हमने अच्छी तरह से उसका मुकाबला करना है। दूसरा पिलर घर है। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है कि बाहर हम तकरीरें करते रहें और घरों के अंदर वायलेंस का भी इर्तकाब हो, घर के अंदर एक ऑनर का बोझ औरत, सिर्फ औरत पर डाल दिया जाए, और घर के अंदर जो वो घर की चार दीवारी के अंदर रहे तो एक झूठी इज्जत का लबादा खुद ओढ़ लिया जाए कि बस यही है, और उसको मौका ना दिया जाए, तो जेंडर वायलेंस। अच्छा, अब फिर इस घर के ऊपर असरात भी बहुत हैं। अब घर के ऊपर असरात इस बात के भी हैं कि जो टेलीविज़न और मीडिया के अंदर जो कुछ भी होगा, अच्छा या बुरा, वो घरों को भी असर करता है। तो बात घर से ही शुरू होगी। औलाद अपनी माँ की और अपनी बहनों की कैसे इज्जत करेगी, और क्या कैफियत तालीम के एतबार से पैदा होती है। तालीम पर भी मैं आऊँगा, मगर मैं आज से कोई 20-25 साल पुरानी एक ज़ाती कैफ
बात बताता हूँ कि मैं और मेरे बच्चे शायद भूरबंद से मरी की तरफ एक पैदल हाइक कर रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चे आए लड़के जो स्कूल से छुट्टी हुई, तो मैं बड़ा मुझे मज़ा आता है बच्चों के साथ बात करने में, तो छोटे बच्चे थे चौथी पाँचवीं छठी के, तो मैं बैठे बात बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी बहनें कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा बहनों को पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है। अच्छा तो ये तो माशरे के घर की बात कर रहा था ना, वो बच्चा अपने अकल से थोड़ी कर रहा था, वो तो जो माशरे के अंदर बात चल रही थी उसको कर रहा था। तो लिहाजा घर और फिर उसको तालीम के साथ अगर आप जोड़ें तो एम्पावरमेंट अल्फाज बड़े अच्छे लगते हैं, मगर उस एम्पावरमेंट के अंदर औरत का तालीम याफ्ता होना बेइंतहा ज़रूरी है। इस दुनिया के अंदर तालीम अगर नहीं हो तो वज़न उठाने के एतबार से माशरे के अंदर भी वज़न होता है अगर तालीम ना हो, फिर स्किल डेवलपमेंट के साथ कुछ और ताकत बन जाती है इंसान की कोई काम करने में, और फिर तालीम, और तालीम से अगर औरत को सिर्फ ये समझ लिया जाए कि वो तालीम बालगा जितनी तालीम उसको हो कि मैथ्स उसको थोड़ी बहुत आती हो, हिसाब करने का अपना नाम लिख लेती हो, वो काफ़ी नहीं है एम्पावरमेंट के लिए। और आज की दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊंगा और तरीक़ा जिसकी वजह से मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। और तालीम के अंदर एक और चीज़ हमारे माशरे ने देखी कि अब जो लड़कियाँ कॉलेजेस तक पहुँच जाती हैं वो नंबर्स के एतबार से प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा जाती हैं, और कुछ ये कैफियत भी माशरे में है कि अच्छी तालीम और प्रोफेशनल तालीम अच्छी शादी के लिए ज़रूरी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। हालांकि मर्द के लिए ये कैफियत कभी नहीं होती कि भाई अच्छी तालीम हासिल कर लो अच्छी शादी हो जाएगी, मर्द की तालीम तो मईशत के साथ लिंक्ड है, औरत की तालीम के अंदर एक अंसर इस बात का भी है कि अच्छी शादी हो जाएगी। अच्छा फिर ये दुनिया को मसाइल हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल नहीं हैं कि जब औरत एक प्रोफेशनल तालीम हासिल करके माशरे में किसी प्रोडक्शन के काबिल हो जाए तो फिर उसका एक बायोलॉजिकल वज़न है जिसके अंदर वो अपनी ख़ानदान की शुरुआत करती है, और वो बायोलॉजिकल वज़न इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो मर्द उतना उठा नहीं सकता, तो लिहाजा मर्द भी अपने रोल पर इस मामले में चिपका हुआ है और औरत भी उस मामले में उससे ताल्लुक रहेगा। और इस अच्छी बात है, परवरिश करेगी किसी हद तक, ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, जो एक और इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों औरत के साथ सेहत का इशू भी है, फिर सेहत के अंदर अगर वो मेल न्यूट्रिशन है और कमज़ोर है तो उसका क्या वज़न होगा माशरे में। तो लिहाजा तालीम के हवाले से बेइंतहा ज़रूरी है कि सेहतमंद भी हो और बच्चों को भी वो तालीम दे सके और इंस्टीट्यूशन बना सके। फिर आ जाइए सेहत के ऊपर, और सेहत का मैंने आपसे ज़िक्र किया, और सेहत के हवाले से जब अगर आप हुकूमत की तरफ देखें और औरतों की एम्पावरमेंट की गुफ्तगू करें तो यकजहती कैफियत नहीं है, मल्टीपल डायरेक्शन से ये बात हमको लानी पड़ेगी और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उसके अंदर फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज मेल न्यूट्रिशन की बुनियाद बनती हैं, लिहाजा एहसास प्रोग्राम ने क्या किया, एहसास प्रोग्राम ने ये भी किया कि तालीम और सेहत के हवाले से पहले मैं ज़िक्र करूँगा, फिर माशी कुशन वो अलग अलग बात करूँगा। तो सेहत और तालीम के एतबार से ये किया कि जो मेल न्यूट्रिशन है जो पाकिस्तान में बहुत है, कम मत समझना, एट द लेवल ऑफ 40 or 50% वुमेन आर मेल नरिश्ड, तो उसके लिए एहसास का एक प्रोग्राम यह है कि पूरे पैकेजेस देते हैं न्यूट्रिशन के, और देखें कितना अच्छे अंदाज से इफेक्टिव पर डायरेक्टली बात जाती है, और उसको साथ साथ उसको एनकरेज करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ कि ये 3 महीने के 90 पैकेजेस हैं, पैकेट्स हैं, इनको खाली करके लाओगी तो तुमको इतने 100 रुपये मिलेंगे। तो वो ये भी यकीनी कैफियत बनाते हैं कि खाली पैकेज आए, ये नहीं कि घर में रख लिया इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ।
इसी अंदाज से बच्चियों की और बच्चों की तालीम के अंदर एहसास इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी एहसास को अगर आप ये समझें कि सिर्फ रोज़गार के एतबार से 2000 रुपये महीना, नहीं ऐसा नहीं है, कोई 20-25 उनके प्रोग्राम है और सारे औरत फोकस सबसे ज़्यादा है, यानी उनका माशी जो 2000 रुपीज़ या 12000 तीन महीने के अंदर वो कैफियत थी, तो वो भी औरत डायरेक्शनल थी। ये एम्पावरमेंट है कि औरत के पास पैसा आए, उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कि होता ये था कि वो 14-12 हज़ार रुपये लेने जब गई तो टैक्सी में बैठ कर गई, टैक्सी में 300-400 रुपये खर्च हो गए, वापसी पे खर्च हुए, कैश घर आ गया, बल्कि वहीं पर किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे लाइन बड़ी लंबी है, मैं 200 रुपये दो तो मैं ये करा दूंगा, वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। पाक दुनिया में पैसा जहाँ भी होगा उस लाइन के अंदर कोई ना कोई छेद कहीं ना कहीं कर रहा होगा, सिर्फ छोटे हम अनडेवलप्ड ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अलावा भी हर तरफ कहीं बड़े छेद होते हैं, कहीं छोटे छेद होते हैं। कभी हम अपनी सीना को भी करते रहते हैं हर वक्त के जी हमारे ही सारे मसाइल हैं, दुनिया भर के इंसान के साथ ये सारे मसाइल हैं। तो अब ये कैफियत आ रही है, पैदा कर रहे हैं कि डायरेक्टली औरत के बैंक में जाए, उसका कुछ कंट्रोल हो जाए उस पैसे के ऊपर। क्योंकि घर आई तो घर आते ही भाई ने कहा मुझे 500 दे दो, किसी ने कहा मुझे 1000 दे दो, तो वो तीसरे दिन तक उसके पास शायद 400-500 या 1000 रुपया बाकी रह जाए 12000 में से। तो एम्पावरमेंट के लिए आपको टूल्स तलाश करने पड़ेंगे हर एफर्ट पर, जहाँ जहाँ पंचर होने का इम्कान है वो पंचर का आप एहतमाम करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि उसके अंदर उन बच्चों की तालीम के लिए अलग स्टाइपेंड है, और मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम जो स्कूल को जाएगा, बच्चे की तालीम के हवाले से स्कूल को ट्यूशन भी जाएगा, और ये लड़के के लिए कम पैसे और लड़की के लिए कोई 400-500 रुपए ज़्यादा दिए जाते हैं, सिर्फ इस बात को एनकरेज करने के लिए कि लड़की को ज़रूर लाओ। कुछ एनजीओज जो मिसाल के तौर पर TCS और बड़े बड़े एनजीओज हैं, उन्होंने ये भी एहतमाम किया कि घर के अंदर उनको ये एहसास हुआ कि 50 रुपये या 100 रुपये सिर्फ ओनरशिप के देते थे, लेते थे कि तुम्हारी तालीम तुमने खुद हासिल की है, 10 रुपये भी 50 रुपये भी सिर्फ ओनरशिप के महीना। तो पता ये चला कि जी लड़कों को भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। तो फिर उन्होंने ये किया कि भाई एक ख़ानदान से सिर्फ 50 रुपये ये जितने लेने हैं उसमें लड़के लड़कियाँ सब आ जाएँ। तो इस तरह से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि लड़कियों की तालीम हो। एम्पावरमेंट बगैर तालीम के बहुत कम मुमकिन है, तालीम के साथ ही मुमकिन होगा। तीसरे चौथे फिर आ जाइए माशरे के ऊपर, माशरे का क्या रवैया है। माशरे के अंदर पब्लिक स्पेसेस आएंगी, माशरे के अंदर हरासमेंट के इश्यूज आएंगे, माशरे के अंदर कितना मौका औरत को दिया जाता है, क्या वो सुजुकी पर या मोटरसाइकिल कर चला सकती है और बैठकर जा सकती है और माशरे में उस पर आवाज़ें नहीं कसी जाएंगी, क्या वो पब्लिक मॉब के अंदर वो अपने आप को सेफ महसूस करेगी। तो लिहाजा मुझे अपने गिरेबान में और आपको सबको अपने गिरेबान में बार बार देख कर झाँक कर इस बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जैसे कैफियत पैदा ना हो। माशरा तमाशा देखे, माशरा वीडियोस बनाए, दैट इज़ नॉट पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट पाकिस्तान टू बी। तो लिहाजा माशरे की बड़ी जिम्मेदारी है। माशरे के अंदर अगर छुपा हुआ औरत का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे, ऊपर से लफाजी होती रहे, तो दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो माशरा, फिर मईशत बहुत अहम, तालीम के इन सब चीज़ों के बाद ना उसको एम्पावर कैसे करोगे। एम्पावर उसके लेजिस्लेशन पर मैं बाद में आऊँगा, एम्पावरमेंट के मईशत के अंदर उसकी गुंजाइश हो। मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रोफेशनल वुमेन गई फिर घर के अंदर घर बनाने की कोशिश की। दुनिया की मईशत इस बात से परेशान है कि जब वो निकली बायोलॉजिकली अपने फैमिली रेस करने के लिए, तो वापस आने में या तो उसका लोग जो दफ्तर में रहे उनका प्रमोशन भी हुआ, एक्सपीरियंस भी बढ़ा, ये जब आई तो ये नीचे आई, यहाँ थी हैं, ये ऊपर चले गए, वो यहीं पर पीछे रह गई। तो दुनिया कोशिश कर रही है कि पार्ट टाइम औरत को एंगेज रखा जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमको भी प्रोग्रेसिव काम करना पड़ेगा कि पार्ट टाइम, और अगर औरत निकले प्रोडक्टिव इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी से तो वापस भी आ जाए विदाउट अ मेजर सेटबैक।
ये मैं समझता हूँ मईशत के हवाले से बात बड़ी अहम है। और अब मईशत के अंदर और बहुत सारे काम हो रहे जो आई विल एलैबोरेट ऑन इट। दूसरे फिर सातवां इशू है कानून का, कि कानून होगा तो फिर अमल होगा। तो हैरेसमेंट के ऊपर भी कानून, एंड एंटी रेप के हवाले से कानून, फिर चाइल्ड मैरिज के हवाले से कानून, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। प्रॉपर्टी राइट्स तो अल्लाह ताला सुभान व तआला ने कुरान में सूरह निसा के अंदर दे दिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और ये मैं एक कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं इसमें से कुछ ऐसी होंगी जिनको प्रॉपर्टी राइट्स इस वजह से नहीं मिले कि आप ख्वातीन हैं। इवन MNAs एंड MPAs, आई चैलेंज दैट। अगर आप सर्वे करें जाकर असेंबली में तो आपको पता चलेगा कि औरत को प्रॉपर्टी नहीं देते। इवन अदर कंट्रीज, देयर वाज अ जेंटलमैन फ्रॉम ट्यूनिशिया एंड सम अदर कंट्रीज जिनसे मैंने बात की प्रॉपर्टी राइट्स पर, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ कैश दे देते हैं, जायदाद नहीं देते। तो लिहाजा इसकी एनफोर्समेंट पाकिस्तान के कानून के अंदर हमेशा मौजूद था। प्लीज़ डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून था जिसके अंदर औरत की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ना हो। तो अब उस कानून के अंदर जो अम्बड्स पर्सन है, मेरे साथ भी जो अम्बड्स मैन और अम्बड्स पर्सन है, उसमें से एक हरासमेंट एंड प्रॉपर्टी राइट्स इम्प्लीमेंटेशन का अथॉरिटी मिली है। तो कोई औरत जाए, एंड आई मैं क्वेटा के सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी बड़ा अच्छा फैसला दिया कि जैसे ही किसी की डेथ हो ऐलान करो, सेटलमेंट करो, औरत को इंक्लूड करो। और औरत के साथ ये मत कहो कि जहेज में दे दिया था पैसा, शादी के वक्त तुम्हें पैसा दे दिया था, बल्कि वॉट एवर रिमेन्स एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस हैज़ टू बी डिवाइडेड एंड इट हैज़ टू बी एश्योर्ड। तो यही कानून एक और इजाज़त देता है जो बड़ा अनोखी से कैफियत है, पता नहीं शायद इस टेलीविजन के ज़रिए बात पहुँचे। वो ये अथॉरिटी देता है अम्बड्स पर्सन को कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर, औरत की प्रॉपर्टी पर कोई कब्ज़ा है तो अम्बड्स पर्सन छुड़ा सकता है। अच्छा, ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात नहीं है। अगर कानून पढ़ा जाए, मैं आपको बड़ी बारीकी बता रहा हूँ, एनी प्रॉपर्टी विच इज़ हेल्ड बाय अ वुमन, क्योंकि हमें एफर्मेटिव एक्शन करना है, औरतों के लिए आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। समटाइम्स यू विल गिव मोर प्रेफरेंस टू वुमन, उसके अंदर ये कैफियत है कि अगर उस आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का भी कब्जा है, वेदर इनहेरिटेड वेदर बॉट, वो खाली कराएगा अम्बड्स पर्सन। तो ये तो कानून के ज़रिए एक इंक्लूसिव माशरे के अंदर ये मल्टी जहती मल्टी फैक्टोरियल जो मैंने सात चीज़ें आपके सामने ज़िक्र की, इन सब के अंदर काम करना पड़ेगा। कहाँ, अगर मज़हब के एतबार से तो जो कैफियत गलत पैदा हुई, कल्चर को मज़हब का हिस्सा बनाकर एक्सप्लॉयटेशन करना, इसको हम दूर करेंगे। अच्छा जी, मैं आपसे कह रहा था पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज़ के अंदर एक ग्रास रूट से हटाकर भी डाल दी। तो इट्स अ रीज़नेबल, इट शुड बी बेटर, बट आई एम सेइंग कि रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज इवन इन द वेस्ट ऐसे हैं जहां 11-12% औरतों की रिप्रेजेंटेशन है। तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रोग्रेस तो ज़रूर हुई। डिजिटल इंक्लूजन इज़ अ बिग चेंज विच इज़ हैपनिंग, औरत घर बैठकर काम कर सकती है, ये बहुत बड़ी इस माशरे के एतबार से मैच करती है चीज़। अमेज़ॉन के अंदर अब आप डिस्ट्रीब्यूशन अपनी चीज़ें घर बैठे बैठे भेजे, ये IT ने ये आसान कर दिया कि औरत घर बैठकर दूसरों को तालीम होमवर्क करा सकती है, उर्दू पढ़ा सकती है, ज़बान पढ़ा सकती है, जो कुछ आता है दुनिया उसकी मार्केट बन गई घर बैठे बैठे। तो मैं समझता हूँ जिन टूल्स की तरफ ऑक्सफैम को और आपको जाना है वो इस तरफ भी जाना है। तो लिहाजा फेसबुक ने एक काम किया, फेसबुक ने पाकिस्तान के अंदर टेफ्टा के साथ मिलकर कोई 6,000 या 5,000 ख्वातीन को ये ट्रेनिंग दी कि अपनी प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट कैसे करो। तो जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ, ये अवार्ड दिए गए कुछ औरतों को जिन्होंने बहुत काम किया उस प्रोग्राम से निकल कर, तो मैंने इनक्रेज किया कि टेफ्टा के साथ फेसबुक मिलकर ये 6,000 को वो 10,000 करना चाहते थे इस साल के लिए। तो तय ये पाया कि एनीथिंग अबव 60,000, क्योंकि देखो जो IT रिलेटेड है उसमें मैन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इंक्लूसिवनेस के अतबार से। तो दिस ईयर दे आर प्रॉबली गोइंग बियॉन्ड 50,000, 60,000 या इवन अप टू 100,000। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं।
आप ख्वातीन को, आपको ऑक्सफैम को उंगली पकड़कर ख्वातीन को वहां तक ले जाना है। द वुमेन नीड गाइडेंस। द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टेल्स मी के जितने लोन्स औरतों के लिए मौजूद हैं, इतनी औरतें नहीं आई, इतनी फीजिबिलिटी नहीं बनी। कुछ बैंक्स ने तो ये कहा कि 10 लाख तक के लोन, जरा गौर से सुने औरतें, मतलब ये हुकूमत ने जब रास्ता बना दिया और हम सिर्फ यही कहते रहे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, व्हाट आर वी डूइंग? यू आर द प्रिविलेज क्लास, जितनी ख्वातीन यहाँ बैठी हुई हैं या बहुत सारे और भी प्रिविलेज क्लास है, जानती है रास्ता दिखाना। वो औरत जिसके लिए रास्ता खोला गया उसको उंगली पकड़ कर ले तो जाओ। मैं तो मर्दों को चैलेंज करता हूँ, यहाँ मर्दों से कहा जाए कि तुम कोई फीजिबिलिटी बनाओ, तो परेशान तो होंगे ये भी, औरत भी परेशान होगी। तो बैंक्स ने, बाज बैंक्स ने ये कहा है कि 10 लाख तक का लोन इंटरेस्ट फ्री, आइडिया लेकर आओ। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंपनीज हायर की हैं जिसके अंदर फीजिबिलिटी वो बनाकर देंगे। तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, जस्ट क्राइंग कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करना है वो करना है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, जब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हुकूमत ने सरमायाकारी करके रखी है। जब हुकूमत को पिछले 2 साल से, मैं ये कह रहा हूँ लोगों को, वुमेन्स रेप्स, मोहतरमा आप जानती हैं, आप तो मेहनत कर रही, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कि औरत को माशी इंक्लूसिवनेस की तरफ उंगली पकड़ कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि औरत के इमेंसिपेशन और औरत को जेंडर इक्वालिटी के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द बिगेस्ट थिंग विच यू वांट टू डू। अच्छा जी, इसको मैं क्लोज करता हूँ इस बात से कि जहाँ मैंने बीबी खतीजा की बात की, उसके साथ साथ अगर कायदे आज़म को, रत्ती डिनशॉ से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की शादी हुई तो उसको मरियम के नाम से नाम दिया गया, तो प्रोग्रेसिवनेस का हाल ये था, इमेंसिपेशन का हाल ये था कि कायदे आज़म जलसों में भी जाते थे तो उनको लेकर जाते थे। एक जगह लेकर गए तो वो गाड़ी से उतर कर जल्दी चली गई, तो पता चला कि लोगों ने कहा कि तुम कैसे आ गई, उसको वापस, उनको वापस भेज दिया। तो कायदे आज़म ने अपनी जेब से इनविटेशन कार्ड उसको दिया कि तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, एंड आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। फिर कायदे आज़म ने फातिमा जिन्ना के साथ बड़ा काम किया, फिर पाकिस्तान ने सियासत के अंदर फातिमा जिन्ना को भी देखा। तो लिहाजा इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इन मईशत, इन माशरत, इन लेजिस्लेशन, इन राइट्स, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं, ये चीज़ें हमारे हाथ में। हमने मगरब से सीख, मगरब की प्रोग्रेस पर मैं खुश हूँ, मगर हमारी अपनी जो विरासत है ऑफ आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी इज़ वेरी वेरी ओल्ड। लिहाजा मेहनत करके इस पाकिस्तान की तरक्की, जैसे कायद आज़म ने कहा, मैं इंसिस्ट करता हूँ, बग़ैर औरत की शमूलियत का के इसका इम्कान नहीं। तो आई थैंक ऑक्सफैम, आई थैंक ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, एंड आई थैंक ऑल ऑफ़ यू वुमेन हियर वो आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दिस। ये औरतों का कभी कभी जब वुमेंस डे आता है तो पोलराइजेशन हो जाता है, तो वो पोलराइजेशन 2-3% चीज़ों के अंदर होता होगा, 97% थिंग्स आर कॉमन टू ऑल एवरी थिंकिंग, कि द औरत हैज़ टू बी हेल्दी, एजुकेटेड, emancipated, should be moving around in public spaces and should be become a firm pillar of society in Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.